पहले जो स्पीड था सो, अभी स्पीड जो है सो। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये सेलिंग फैन है, एक्चुअली थोड़ा स्लो चल रहा है। तो स्लो चलने का 4-5 कारण हो सकता है। तो पहला कारण है, पहले घर का हम वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज हमारे घर में कितना आ रहा है। वोल्टेज अगर 220-230 है या 200 है, 210 तक भी है, तो वोल्टेज ठीक है, प्रॉपर फैन को चलना चाहिए। वोल्टेज ठीक है फिर भी अगर स्पीड नहीं चल रहा है तो दूसरा काम करेंगे, पंखा को देख लीजिए कितना ज़्यादा डस्ट है। ठीक है, देखते हैं कितना ज़्यादा डस्ट है। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी होता है फैन का स्लो चलने का। ठीक है, तो पहले दूसरा कारण फैन को साफ करेंगे, फिर भी अगर स्पीड ना चले तो फिर कैपेसिटर चेंज करेंगे। कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी ये नहीं कि साहब उसमें 2 या 2.25 का लगा हुआ है तो उसमें 2.25-3 लगाएंगे, नहीं उसमें 2.5 लगाएंगे। क्या कि पंखा जब सही रहता है तो 2.5 का ही कैपेसिटर काफ़ी होता है पंखा को स्पीड चलने के लिए। ठीक है, तो तीसरा कैपेसिटर चेंज करेंगे, फिर भी अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर कॉइल को चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कॉइल का शॉर्ट हो जाने के कारण भी पंखा स्पीड नहीं चल पाता है। तो हो गया, अगर कॉइल सही है फिर भी स्पीड नहीं चला तो कनेक्शन चेक करेंगे। क्या कि कनेक्शन गलत होने के कारण भी कितना चाहे जितना मर्जी उतना MFD का कैपेसिटर लगा दीजिए, फिर भी वो पंखा स्पीड नहीं चलेगा। तो पहला काम हम वोल्टेज को चेक करते हैं, हमारे घर में कितना वोल्टेज है। फैन चालू करके आपको दिखा देते हैं इसका कितना स्पीड। तो कभी भी फैन का चालू होने से ही पता चल जाता है कितना स्पीड चलेगा। ठीक है, तो फैन को देखिए स्टार्ट हो चुका है। इसका हाई स्पीड है, अब इससे ज़्यादा ये स्पीड नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम फैन को बंद कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये तूफान का पंखा है तो तूफान को पता है कितना स्पीड होता है फैन का। तो चलिए हम पंखा को ऑफ कर देते हैं। तो चलिए हम बोर्ड में लगा देते हैं उसको, मीटर का वायर हमने बोर्ड में लगा दिया। अब स्विच को कर देंगे ऑन। तो वोल्टेज मिला जुला के ठीक है, बट 190 है तो भी फिर भी जो फैन का स्पीड है वो कम है। तो पहला चीज़ जो हम बताए हैं, फैन को डस्ट का साफ करेंगे, फैन का डस्ट। तो चलिए फैन का पहले डस्ट साफ करेंगे, इतना ज़्यादा डस्ट को साफ कर लेंगे। पहला कारण यही होता है, ठीक है, कितना ज़्यादा डस्ट है। क्या है कि डस्ट ज़्यादा हो जाने के कारण पंखा को पड़ जाता है लोड, लोड के कारण फैन स्पीड नहीं चल पाता है। पूरा ज्यादा डस्ट बैठ चुका है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी टॉपिक पे इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। फिर साफ करने के बाद चालू करके देखेंगे पंखा का स्पीड बढ़ा या नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ेगा तो कैपेसिटर चेंज करेंगे, उसके बाद भी अगर नहीं बढ़ेगा तो कॉइल चेक करेंगे। अंदाज है से कैपेसिटर चेंज करने पर कुछ ना कुछ हवा इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद कैपेसिटर चेंज करेंगे। फैन को स्विच को कर देते हैं ऑन, कोई स्पीड नहीं आया। तो चलिए हम कैपेसिटर चेंज करके देखते हैं। तो ये देखिए कैपेसिटर जो हम लगा रहे हैं, इसमें लगाएंगे 2.50 का, ठीक है, इसमें हम 3.25 नहीं लगाएंगे। जब ज़्यादा पुराना पंखा हो, 5-6 साल हो जाए, जब 2.5 का भी काम ना करे, उसके बाद 3.25 का कंडेंसर लगाए, कभी भी पंखा में 2 कैपेसिटर ना लगाए तो पंखा का कॉइल जल जाएगा, चलेगा स्पीड 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलेगा, बट लेकिन फैन का वो कॉइल उसको जल जाए, जल नहीं जाना। तो चलिए हम कैपेसिटर को लगाते हैं।
तो इसमें भी पॉलिन लगा हुआ था यूनिवर्सल का ही कैपिस्टर जो कि डेड हो चुका है, लग रहा है खराब हो चुका है। हाँ कभी भी कैपिस्टर लगाने से पहले टेस्टर से ही लगाइएगा, पहले देख लीजिएगा इसमें लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर लाइन नहीं आया टेस्टर में तभी कंडेंसर चेंज कीजिएगा, नहीं तो पहले मेन लाइन जो है काट के चेंज कीजिएगा, नहीं तो इससे आपको करंट तगड़ा लग सकता है, जान भी जा सकती है। क्योंकि देखिए ये जो करंट है छह से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो फिर अगर वहाँ से आएगा तो जाहिर सी बात जब हम कैपिस्टर चेंज करेंगे तो हो सकता है कहीं के इसमें हाथ से जाएगा तो मतलब उसको क्या बोलते साइकिल पूरा बन जाएगा, हमको जान भी ले सकता है। तो कभी भी ऐसे ध्यान जरूर रखें, लाइन का काम करते हैं तो सतर्क रहें, जो भी हो सेफ्टी के साथ काम करें। ऐसे निकाले वायर को ऐसे ही करे, मतलब कैपेसिटर को चेंज करे, वायर ध्यान रखे, नहीं तो वरना फोटो खींच ले, नहीं तो हमको तो समझ में आएगा बट आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बता रहे कलर वाइज अपना कलर ध्यान रखें। उम्मीद है इतना पंखा का स्पीड बढ़ जाना चाहिए, नहीं बढ़ेगा तो कॉइल इशू होगा, 100% कॉइल ही खराब होगा इसका। ठीक है तो चलिए इसको डाउन कर लेते हैं। तो फैन का स्पीड देख लीजिए आपको कितना हो गया, पहले जो स्पीड था सो अभी जो स्पीड हो गया सो दोनों में काफ़ी डिफरेंट आ गए। इसका कैपेसिटर खराब था, पंखा साफ भी हो गया, इससे हवा भी बढ़ गया, स्पीड भी बढ़ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा था।